कि काफ़ी युवकों से, करीब 150-200 युवकों से फ़ौज में भर्ती करवाने, जैसे फ़ौज का जैसे टेरिटोरियल आर्मी, IRPF और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में भर्ती कराने के एवज में पर कैंडिडेट 4-4 लाख का गबन किया हुआ था। इसमें जो मेन आरोपी था वो कश्मीर का रहने वाला था, इसका नाम था मंजूर अहमद गनी। तो उसको हमने, जो DGP साहब ने उसको मोस्ट वहाँ करा कर उसको हमने SP साहब ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल किया हुआ था, जिसको कल हमने अपना दिल्ली से गिरफ्तार किया है और उसको कल कोर्ट में पेश किया जाकर रिमांड दिया जाएगा। हाँ, पहले इसमें एक प्रवेश कुमारी नाम का महिला थी जो गरोंडा के रहने वाली, इसको पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन मंजूर अहमद गनी को आज हमने गिरफ्तार किया। किस तरह से शिकार बनाते थे महिला का, क्या रोल रहा? महिला ऐसा, ये बेसिकली जो ये जो अक्यूज है, जो मेन हमारा मंजूर अहमद गनी, ये बारामूला का रहने वाला है कश्मीर में। ये युवकों को यहाँ से वहाँ पर लेकर जाते थे, ये प्रवेश कुमारी यहाँ से युवकों को इकट्ठा करती थी, वहाँ इनसे कंटेक्ट कराती थी, वहाँ फिर ये इनसे पैसे लेकर इनको ये आश्वासन देता था कि तुम्हें मैं फ़ौज में या टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती कराऊंगा। इस एवज में बाद में फिर उसके पैसे लेने के बाद इनको नकली ज्वाइनिंग लेटर भी देता था, ट्रेनिंग लेटर देता था, अपना क्लोथिंग स्लिप भी देता था उस पर्टिकुलर जो आर्मी या इंजीनियरिंग सर्विसेज की है। और जब बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन हुई सारे रिकॉर्ड की, तो सारे वो फर्जी पाए गए। करीब 200 कैंडिडेट्स के लगभग हैं कि जो इसमें आए, तो पर कैंडिडेट 4-4 लाख रुपए चार्ज किए हुए हैं जी। मतलब सबसे पैसे ले रखे हैं? हाँ, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में यही है कि सभी से पैसे ले रखे हैं। आज गिरफ्तार किया है, कल ये पीड़ित सारे हरियाणा के युवक हैं, कुछ जींद के रहने वाले हैं, कुछ अम्बाड़ा के रहने वाले हैं, करनाल के भी इसमें काफी युवक। किस तरह से खुलासा किया सर? खुलासा बस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में, कलम ने इनको दिल्ली से गिरफ्तार किया। जो क्या ये भी बात सामने आई है कि कौन कौन सी पोस्ट पे लगाने की बात हो रही थी जी? ये अब सिपाही भर्ती के लिए अपना इनसे पैसे लिए जाते थे कि इनको आपको सिपाही भर्ती कराएंगे, बाकी आप डिटेल में इसकी रिमांड के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए हैं कि वो फर्जी हैं या किसी अपना जो किसी ऑफिसर का, कोई बड़ा ऑफिसर भी हो सकते हैं, उसके लिए अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और रिमांड के बाद की जाएगी। अभी रिमांड ले जाकर बरामद किया जाएगा। नहीं, और भी FIR सर अभी फिलहाल नहीं आई है, इनकी कंप्लेंट काफ़ी थी, वो पता कराएंगे कहाँ का इनके FIR। महिला को कब गिरफ्तार किया था? महिला को सैटरडे को गिरफ्तार किया गया था और जो कल जुडिशल जाएंगे दोनों।